अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। पूरा विश्व आज कोरोना के कहर से दहशत में है। चाइना और इटली से सबक लेकर अब समय रहते भारत ने कोरोना से लड़ने के लिए कमर कस ली। पूरे देश में कल यानी 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान भी हो चुका है। आपको बता दें कि देश भर में कई राज्यों के कई शहर लॉकडाउन की स्थिति में हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ महानगर में जनता कर्फ्यू से एक दिन पहले ही सन्नाटा पसर गया है। यूं तो शहर में बाजार खुले हैं मगर सड़कें खाली हैं, दुकान खुली है मगर ग्राहक नहीं है, बस अड्डों पर बस है मगर यात्री नहीं है। ऐसे में रोजमर्रा के काम करने वाले लोगों के जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा ये कोई नहीं जानता। दिन भर की मजदूरी करके घर चलाने वाले लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ेगा कोई नहीं जानता। लेकिन किसी भी देश में स्वास्थ्य का अधिकार जनता का पहला बुनियादी अधिकार होता है। स्वस्थ नागरिक ही एक स्वस्थ व विकसित देश के निर्माणकारी तत्व होते हैं। इसलिए तो कहते हैं जान है तो जहान है। लेकिन स्थिति इतनी गंभीर है कि जनता के हित में जनता कर्फ्यू बेहद जरूरी है, वरना नतीजे चाइना और इटली से भी भयावह हो सकते हैं। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।